चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम बीकानेर के गंगा शहर उपनगर में हैं और गंगा शहर उपनगर में, और ये देखिए सांवरलाल जी हैं जो बने हुए मिट्टी के बर्तनों को एक बहुत खूबसूरत रंग में इसको कलरफुल बना रहे हैं। ये देखिए क्या इनके, ये भी इनकी नई स्टाइल है, चाक के ऊपर रख के इसके फिनिशिंग को और कैलिब्रेशन को बेहतरीन आयाम प्रदान किया जा रहा है। ये मिट्टी के बने हुए पॉट हैं और इनको क्रम एक सीरीज के अंदर लगा दिया गया है। अब कलर का बेहतरीन आकृति दी जा रही है। सावलाल जी क्या बना रहे हो? कुलरिया। ये क्या काम आता है कुलरिया? हटड़ी, दिवाली में जो प्रयुक्त होने वाली हटड़ी है। हाँ हाँ, इस बर्तन को मूर्त रूप देने के पीछे का जो कलाकार है उससे मैं आपका शुरू कराता हूँ। कैसे काम करें सर, आपका नाम बताओ? ये सर लूनाराम जी हैं जो कि गंगा शहर के में इनका छोटा सा मकान है। तो लूनाराम जी अपने बारे में बताओ, आप कितने सालों से काम कर रहे हो? 50-60 साल से आप काम किए। तो आपने तो एक बहुत लंबा ये समय देखा है, तो आप ये बताएं कि आप इतने लंबे समय अंतराल के अंदर अब क्या फर्क आया है मिट्टी के बर्तन खरीदने में? मिट्टी के बर्तन खरीदने में इतना फर्क आया कि थोड़ा बहुत कहीं है कि पहला मतलब मजदूरी मिट्टी और फ्री मिलती। हाँ हाँ, और फ्री मिलता। सही बात है। लेकिन कहीं है कि जल देते हो तो मिलता है, हर चीज मोल मिलती है, कीमत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए भारत सरकार ने कही है कि ये लोग कहते हैं कि आप मुँह के दे रहे हो। अच्छा, मेरा मजदूरी पूरी पड़े हुए। तो क्या धंधे के बारे में कितना आश्वस्त हो कि ये धंधा आगे और चलेगा कि नहीं चलेगा आगे, या लोग इससे भाग रहे हैं, क्या बात बताओ इसके बारे में, इसके भविष्य की बात बताओ जरा। भविष्य की बात, ये धंधा तो परंपरा में सब बढ़ेरों के लिए चल रहा है, पहले हमारा मैदान तक भी। हाँ सही बात है, अभी भी क्या है कि चल रहा है। लाइक का बटन दबाएं, नीचे कमेंट में अपने विचार मुझे बताएं। बहुत सारे नए लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद इस चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जो संस्कृति है हमारी भारत की और ये प्राचीन जो चीजें आप देख रहे हैं मिलती रहे, लोग देखते रहे।